कंपाउंड्स आप देखिए, मिल्टा के जो सदन कंपाउंड्स है वो पूरी तरह से खाली है, लेकिन हो सकता है वहां पर भी हमें टीम एरिको फॉरएवर नजर आ जाए। लेकिन अभी के लिए अल्फा दीदी, इस आईडी से कौन गाइस खेल रहा होगा एक बार जरूर बताना आप लोग यहां पर चैट सेक्शन में। बट फिलहाल के लिए तो चलिए, ओपनिंग फ्रैग भी मिल चुके हैं यहाँ पर और की ज्यादा फ्रैग, बट यहाँ पर ये थर्ड पार्टी फिलहाल के लिए टीम गॉड लाइक करते नजर आएगी। सीधा ही शैडो का स्लैमन भी शायद हो सकता है देखने को मिलता हुआ नजर आ चुके, यही मौका है टीम गॉड लाइक आज ना केवल प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेलेगी, वो ट्राई करेगी फ्रैग भी निकालते हुए नजर आ, जिसके लिए वो जाने भी यहाँ पर जाते हैं। रैकनिंग पहुंच तो जरूर गए, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो एक फ्रैग पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ये तीसरा फ्रैग भी अपने नाम निकालते नजर आएंगे। जी हाँ, अल्फा दीदी ने यहाँ पर निकाल दिया है काफी गवाशर। ओहो, शैडो थोड़ा संभल के वो बात रहेगी, ट्राई तो जरूर करें। देखिए, हर कोई कन्वर्ट करना चाहता है, नॉकआउट करके कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट स्लैमन, यहाँ पर रेवन भी वहाँ पर जरूर गए थे, उसको भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा। उसी के साथ साथ टीम सोलो में इस मुकाबले से हो जाती है बाहर। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मुझे लगा था शायद वो डुओ जो है सर्वाइवल खेल लेगा, बट अभी के लिए छह फ्रैग निकालने के बाद, एक कैजुअलिटी कमाने के बाद अभी भी डट के यहाँ पर मुकाबला कर रही है टीम गॉड लाइक। कह सकते हैं कि आज थोड़ा सा लक उनके साथ यहाँ पर दे रहा है, सर्कल की मैं उस लक की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मल्टीपल फ्रैग्स निकालते टीम गॉड लाइक,